आपका IBN9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। MGA मेडिकल कॉलेज इंदौर में माननीय जे पठान, जो निरंतर सन 1993 से लेकर आज दिनांक 31 मार्च 2023 तक कार्य करते रहे, उनको आज दिनांक 31/5/2023 को सेवानिवृत्त होने पर आज MGA मेडिकल कॉलेज के सभागार में पधारे मुख्य अतिथि व सभी स्टाफ के कर्मचारियों द्वारा शॉल, श्रीफल, हार फूलों से उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित रहे डॉक्टर संजय दीक्षित, अधीक्षक डॉक्टर PS ठाकुर, डॉक्टर सुमित शुक्ला, डॉक्टर बंसल, डॉक्टर सलील शुक्ले एवं प्रशासकीय अधिकारी दिव्या शर्मा। सभी ने उनके सेवानिवृत्त होने पर उनके सभी अभी तक के किए गए कार्य की प्रशंसा की। संचालन एवं आभार राकेश गोरखे ने व्यक्त। कर्मचारी साथी जैसे रोहित यादव जी ने उनका जीवन परिचय दिया। जे पठान के सेवानिवृत्त होने पर सभी MGM कॉलेज के अधिकारी एवं कर्मचारियों गोपाल बहाड़, कीर्ति पिल्ला, विनोद मिश्रा, धनोतिया, डी बैरागी साहब, नागौर सर, सेबेस्टियन सर, गिरिराज दवे जी, प्रशांत चौहान व विष्णु नरवाले, अनिश खान, रोहित यादव एवं हाईकोर्ट से पधारे संदीप जी कामले जी, अजय जी, राहुल जी और जबलपुर मेडिकल कॉलेज से अनिल गर्ग जी एवं समस्त मेडिकल कॉलेज के लोगों ने उन्हें सफलतापूर्वक गुजारे अपने कार्य को लेकर उन्हें बधाई दी गई। मेडिकल कॉलेज में कर्मचारी कल्याण समिति जो हमारी है उसके माध्यम से आज हमारे बीच में हमारे कर्मचारी जैनुद्दीन पठान जी, जो 1983 से सेवा दे रहा है और 93 से अपनी मेडिको लीगल केस का कार्यक्रम भी देख रहे हैं, आज पूरे अपने 62 वर्ष सेवा के पूर्ण करने के पश्चात वो आज यहाँ से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और सारे कर्मचारी अधिकारी सब मिलकर उनके सेवानिवृत्ति का आज उनका सम्मान करने जा रहे हैं। आयोजन में अतिथि के रूप में कौन उपस्थित? आयोजन में अतिथि के रूप में हमारे मुख्य अतिथि हमारे अधिष्ठाता महोदय संजय दीक्षित जी हैं, वो उसमें डॉक्टर साकल्य हैं, डॉक्टर बंसल सर हैं और हमारे प्रशासकीय अधिकारी मैडम साथ में और हमारे जितने भी वरिष्ठ रिटायरमेंट जो पहले हो चुके हैं वो भी उनके सम्मान यहाँ पर। एक सदस्य जो इतने वर्षों तक आपके साथ रहता है जी और जब रिटायरमेंट होता है तो कहीं ना कहीं उसकी कमी भी खलती है जी जी, तो क्या किस तरह से आपसी प्रेम भाव के लिए आप लोग इसको याद रखते हैं? परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है तो एक परिवार के साथ में खुशी मनाता है वो और परिवार के सारे लोग खुश होते हैं। उसके बाद में वो शादी करता है या नौकरी करता है तो एक वो खुशी, जब हमारे बीच में ये नौकरी पे आए थे तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारा एक साथी और बड़ा है, लेकिन आज वो हमारे बीच में से अगर वो सेवा से निवृत्त हो रहा है तो हमको एक बड़ा दुख भी होता है। उसके जो अनुभव उनको जो मिले हैं न्यायालय संबंधित वो उनके शिष्यों को सिखा के जा रहा है, लेकिन हमें दुख ये होता है कि एक हमारा एक अनुभवी इंसान हमारे बीच में से जा रहा है और वो खुशी से जाए, जिस प्रकार से वो पूरे हर्षोल्लास से शादी समारोह में जाता है उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि उनका सेवानिवृत्ति का सम्मान भी करके उनको खुशी से घर भेजें और उनको भी लगे कि मैं गर्व से वहाँ से उस घर से निकला हूँ। उसके बाद में फिर उसके परिवार का काम है कि वो जब तक जीता है वो परिवार में सम्मान से जिए और उसको लगे कि इस मेडिकल कॉलेज में सेवाएँ दिए और मेरे पति या मेरे पुत्र जो भी हैं उनको अच्छा सम्मान मिला है। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गोपाल बहाड़, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, लेकिन कर्मचारी कल्याण समिति का एक सदस्य हूं और उस सदस्य के नाते सभी लोग ये कर्मचारी कल्याण समिति के आपके समक्ष। ये मेरा परिवार है, मैं परिवार को छोड़ के जा रहा हूं, दुख तो हो रहा है मेरे। मेरा बहुत लंबा सफ़र रहा है इस कॉलेज में और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है, वो अच्छे अच्छे अधिकारियों के साथ में मैंने काम किया है, आज भी मेरे साथी लोगों के साथ काम कर रहा हूं, लेकिन आज मैं यहां से जा रहा हूं तो मुझे दुख तो हो रहा है सर। एक तरह से खुशी भी है कि मैं अपने कार्यों से सेवानिवृत्त हो रहा हूं, लेकिन सर मैं इस संस्था से जुड़ा रहूँगा, मेरी ये कोशिश है, मैंने समर्पण की भावना से अपना काम हमेशा कॉलेज में किया और आगे भी सर करने की कोशिश करूँगा, यही बस निवेदन है सर। आपके साथी आज यहाँ पे एक समारोह का आयोजन कर रहे हैं आपके लिए, आपके परिवार के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं साथ में जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से एक अनुभूति हो रही है आपके यहाँ पर? सर ऐसा लगता है कि शायद मेरे जीवन में कुछ कमाया है जो आज मेरे लोग मेरे साथ में खड़े हैं और ऐसा शायद ही महसूस होता कि किसी वक्त में कोई ऐसे लोग इतने खड़े होते, लेकिन आज जो खड़े हैं मुझे इतना हर्षोल्लास हो रहा है कि मतलब मैं इसको कभी भूल नहीं सकता सर। आपका नाम और जैनुद्दीन पठान, MG मेडिकल कॉलेज। मतलब मैं सहायक वर्ग 2 के पद से रिटायर हो रहा हूँ। अभी के लिए इतना ही, लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।